हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, कैसे चल रही है जी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आई होप सो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन योर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए आप, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, फाइनल अकाउंट्स का हो, एनपीओ का हो, कंपनी अकाउंट्स हो, कोई भी टॉपिक हो, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक आधा एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की मिलती ही है। और मैं ये कह सकता हूँ ये एक आपका बेस चैप्टर भी होता है इन योर अकाउंटेंसी। इस चैप्टर को क्लियर करना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन भी बच्चों को इसी चैप्टर में आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस तरीके से चैप्टर को रिवाइज कर लें कि जिस बच्चे को ये चैप्टर नहीं भी आता वो भी इसको कवर करने की कोशिश करेगा। वो भी एक बार इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा तो वो कवर कर लेगा उसे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मेरी स्पीड देखो, अब ये प्रॉपर क्लास तो है नहीं जो स्पीड स्लो होगी, दिस इज अ रिवीजन वीडियो, तो ये थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, चलिए ये टॉपिक शुरू करने से पहले पहले मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, लाइक अकाउंट बुक्स कितने तरीके की होती है। हाँ जी, एक बार ये जानेंगे कि अकाउंट बुक्स कितने तरीके की होती है। ये लीजिए अकाउंट बुक्स। अगर मैं अकाउंट बुक्स को क्लासिफाई करूं तो आपकी अकाउंट बुक्स में सर दो तरीके की बुक्स आती हैं। एक होती है जी सब्सिडरी बुक्स, ये शायद आप लोगों ने सुने होंगे सारी चीजें, सब्सिडरी बुक्स, और एक होते हैं जी आपके लेजर अकाउंट्स। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स में क्या आती हैं? सब्सिडरी बुक्स में वो बुक्स आती हैं जिसके थ्रू एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। एक अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो भी बुक्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज सब्सिडरी बुक्स। जैसे कि कैश बुक, एक होती है आपकी कैश बुक जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब समझे, ट्रांजेक्शन जैसे ही अकर हुई उसको इनिशियली हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद हम लेजर अकाउंट में उसको पोस्टिंग करते हैं, देन उसके बाद हम क्या बनाते हैं जी अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो भी हम बुक्स यूज करते हैं दैट इज नोन एज सब्सिडरी बुक्स। सर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने तो सुना है जर्नल यूज होता है, बिल्कुल जी जर्नल यूज होता है, लेकिन जर्नल भी पार्ट है किसका, सब्सिडरी बुक्स का। ठीक है जी, तो एक होती है इसमें कैश बुक। कैश बुक में अपनी सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है, ट्रिपल कॉलम भी होती है, पेटी कैश बुक भी होती है। तो ये सारी क्या होती है जी, कैश बुक होती है। कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है। उसके बाद आती है हमारे पास लाइक अदर सब्सिडरी बुक, जिसे हम बोलते हैं जैसे परचेज बुक हो गई, जो परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करी जाती है, क्रेडिट परचेज को बेसिकली। सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल्ड रिटर्न बुक हो गई, बीआर बुक हो गई, बिल्स पेबल बीपी बुक हो गई, और उसके बाद जो भी आपकी ट्रांजेक्शन बचती है वो कहां पर रिकॉर्ड होती है जी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी, तो ये आपकी होती है सब्सिडरी बुक्स जो एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है। क्या करने के लिए काम आती है जी, रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग के बाद सब्सिडरी बुक्स से उठकर एंट्री कहां पर जाती है जी, सब्सिडरी बुक्स से उठकर एंट्री जाती है आपके लेजर अकाउंट्स में। इसमें कई सारे हमारे पास लेजर अकाउंट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ये सब यूज होती हैं सर पोस्टिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्डिंग हुई सब्सिडरी बुक्स में, और रिकॉर्डिंग के बाद जब एंट्री को ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है वो कहां पर किया जाता है जी, अपने लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज आपको यही क्लियर करनी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है या गलतियां होती है वो यहीं पर ही गलती होती है। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि एरर जो है वो रिकॉर्डिंग का एरर है या पोस्टिंग का एरर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो सर ये तो रिकॉर्डिंग का एरर हो गया। जब परचेज बुक में ही नहीं है ये मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो पोस्ट ही नहीं हुई। या फिर आपने देखा कि उसमें लिखा होगा कि परचेज बुक में अंडरकास्टिंग है, तो परचेज बुक में अंडरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ सर, परचेज को रिकॉर्ड हमने गलत अमाउंट से कर दिया। जब परचेज को रिकॉर्ड ही गलत अमाउंट से करते हैं तो वो परचेज अकाउंट में भी गलत अमाउंट से जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है कि पहले रिकॉर्डिंग का एरर है या पोस्टिंग का एरर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपको पता लगेगा कि वो सब्सिडरी बुक कह रहा है या सिंपली रिकॉर्डिंग कह रहा है या फिर लेजर अकाउंट कह रहा है, दैट इज योर पोस्टिंग का एरर कह रहा है। ठीक है जी, एक बार आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर आपको रेक्टिफिकेशन में एक कंफ्यूजन तो आपकी यहीं पर ही दूर हो जाती है। ओके जी, उसके बाद अब हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो देखना है दैट इज योर टाइप्स ऑफ एरर्स। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सर कि एरर किस टाइप का है। जब तक आप एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो एरर को एक बार आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कितने तरीके के एरर होते हैं। अगर मोटा मोटा बोले जाए तो सर एरर होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं जी आपके एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और एक होते हैं जी आपके क्लेरिकल एरर्स।
सर क्लेरिकल एरर्स, बिल्कुल जी, इसी के अंदर ही आते हैं हमारे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो उनको ग्रुप कौन सा बोला जाता है जी, क्लेरिकल एरर्स का। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स वो एरर्स होते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन का नेचर ही चेंज कर देते हैं, लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या फिर रेवेन्यू रिसीट को हमने कैपिटल रिसीट ट्रीट कर लिया, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना, रेवेन्यू रिसीट को कैपिटल रिसीट मान लेना या कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट मान लेना। दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने ट्रांजेक्शन का नेचर ही चेंज कर दिया। जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को परचेज किया लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर दी हमने, परचेज के थ्रू, नॉर्मल परचेज, उसको ऑर्डिनरी परचेज मान के रिकॉर्ड कर लिया। मतलब हमने ट्रांजेक्शन का नेचर चेंज कर दिया, फर्नीचर परचेज करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको ऑर्डिनरी परचेज रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है जी। एसेट को बेचा, एसेट को बेचने के बाद हमने क्या करा, सेल्स अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया, मतलब कैपिटल रिसीट को हमने क्या कर दिया जी, रेवेन्यू रिसीट मान लिया। दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मेरा क्वेश्चन आपके साथ 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 ये बनता रहेगा, सर हर केस में आपको बताना है कि ट्रायल बैलेंस किस किस केस में टैली करेगा या नहीं करेगा। अगर तो मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करूं तो मुझे बताइए जी सोच के कि क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या नहीं करेगा। आंसर इज बिल्कुल बिल्कुल करेगा, ट्रायल बैलेंस विल टैली। सर क्यों करेगा? देखिए जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना मतलब फर्नीचर भी डेबिट होना था और परचेजेस भी डेबिट होती है, तो डेबिट की जगह पर डेबिट ही हुआ, डेबिट की जगह पर डेबिट हुआ तो ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा। फर्नीचर क्रेडिट होना था क्योंकि फर्नीचर बिका था लेकिन हमने उसकी जगह क्या कर दिया, सेल्स में उसे रिकॉर्ड कर दिया, और सेल भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, मतलब क्रेडिट की जगह पर क्रेडिट ही हुआ, तब भी क्या करेगा सर, ट्रायल बैलेंस विल टैली। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमेशा हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करता है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स मींस सर अकाउंटेंट की गलतियां, अकाउंटेंट की गलतियां कैसी कैसी हो सकती हैं, देखिए जी। अगर मैं क्लेरिकल एरर्स की बात करूं तो एक आता है इसमें सर एरर्स ऑफ कमीशन, एक होता है जी एरर ऑफ ओमिशन, और एक होता है जी आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का मतलब क्या हुआ, एक गलती दूसरी गलती से सेट ऑफ जब हो जाती है, दैट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर्स। मतलब हमने अगर परचेज को रिकॉर्ड किया है ज्यादा 100 रुपए से, परचेज को क्या किया जी 100 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो हमारी डेबिट साइड क्या आ रही होगी ट्रायल की, बढ़ गई होगी, बिल्कुल जी सर। परचेज आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल इंक्रीज। उसी जगह पर हमने क्या कर दिया, सेल्स को भी 100 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो क्रेडिट साइड भी इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? कंपेंसेटिंग एरर का मतलब हो गया कि सर एक गलती दूसरी गलती से जब सेट ऑफ हो जाती है, दैट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर। मतलब अगर आपने परचेज को ओवरकास्ट कर दिया 100 रुपीज से, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बढ़ गई है, और उस गलती को सेट ऑफ कैसे किया जाएगा, या तो हम डेबिट साइड को 100 रुपए से कम कर दें या फिर क्रेडिट साइड को भी 100 रुपए से बढ़ा दें। तो मान लीजिए सेल्स बुक भी 100 रुपए से ओवरकास्ट है, मतलब क्रेडिट साइड भी बढ़ी हुई है, तो एक गलती क्या होगी जी, दूसरी गलती से सेट ऑफ होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में क्या होगी, सेट ऑफ होगी। गलती तो है, ट्रायल तो गलत है वो, लेकिन वो गलती आपस में क्या होगी है, सेट ऑफ हो गई है। तो इस केस में भी हमारा ट्रायल क्या करता है जी, ट्रायल विल टैली, क्योंकि जब एक गलती दूसरी से सेट ऑफ हो जाएगी तो ट्रायल विल टैली, ओके जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास अगले एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। पहले हम देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन क्या होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन मींस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको पोस्ट करना भूल गए। देखिए जी, अगर तो आप एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दैट इज नोन एज कंप्लीट ओमिशन। मतलब आपने सब्सिडरी बुक्स में जो भी मैंने आपको बताई है, सब्सिडरी बुक्स चाहे वो कैश बुक हो, परचेज बुक हो, जनरल हो, मतलब एंट्री को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, दैट इज योर कंप्लीट ओमिशन, ठीक है जी। और अगर एंट्री को आपने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन पोस्टिंग नहीं करी उसकी, जैसे आपने परचेज बुक में परचेज रिकॉर्ड तो कर ली लेकिन उस एंट्री को परचेज अकाउंट में नहीं लेके गए, वो भी तो आपकी मिसिंग है, वो भी तो आपकी क्या है, ओमिशन है। तो उसको हम बोलते हैं जी पार्शियल ओमिशन। सर व्हाई पार्शियल, बिकॉज मैंने क्या बोला, आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली लेकिन परचेज बुक से आप लेजर अकाउंट में नहीं लेके गए, लेजर अकाउंट में किसके लेजर अकाउंट में नहीं लेके गए, परचेज अकाउंट में नहीं लेके गए, तो वो हो जाएगी आपकी क्या, पार्शियल
ओमिशन, मतलब एक ही अकाउंट में गलती है, दूसरा पार्टी का अकाउंट तो ठीक है, सिर्फ परचेज अकाउंट की ही गलती है। अगर तो मैं कंप्लीट ओमिशन की बात करूं, अगर मैं कंप्लीट ओमिशन की बात करूं, जब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो वो ट्रायल में पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग होगी सब्सिडियरी बुक्स में तो वो लेजर में जाएगी, लेजर से ट्रायल में जाएगी, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो लेजर में भी नहीं गई, ट्रायल में भी नहीं गई, तो ऑब्वियसली सर ट्रायल विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली। और अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो पार्शियल में हुआ क्या, पार्शियल में आपने एंट्री को रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन उसको एक अकाउंट में आप पोस्ट करना भूल गए। परचेज आपने रिकॉर्ड कर ली लेकिन परचेज को आपने परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, या फिर आप पार्टी अकाउंट में ले जाना भूल गए, दैट इज योर पार्शियल ओमिशन। तो इससे क्या होगा, आपने अगर परचेज को पार्टी अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं आया, तो इस केस में ट्रायल विल नॉट टैली, ठीक है जी, ट्रायल हमारा टैली करेगा ही नहीं, ठीक है जी, ये वाली चीज क्लियर हुई। ओके, अगला एरर आता है हमारे पास, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। मैं एरर ऑफ कमीशन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। एरर ऑफ कमीशन में हमारे पास क्या क्या आता है, एरर ऑफ कमीशन, हाँ जी, एरर ऑफ कमीशन की अगर बात करी जाए तो एरर ऑफ कमीशन में हमारे पास कौन कौन सी गलतियां आ सकती हैं, देखिए जी, एक गलती हो सकती है राइटिंग राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स, इन द सब्सिडरी बुक्स, सोचकर बताइए सर, हाँ जी सोचकर बताइए ये गलती क्या है, हमने सब्सिडरी बुक्स में गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, मतलब हमने ट्रांजेक्शन को गलत अमाउंट से ही रिकॉर्ड कर लिया, हमने परचेज करी राम से 100 रुपीज की लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड, मेरी बात पे ध्यान देना, वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्ड, परचेज करी राम से 100 रुपीज की लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया 1000 रुपीज में। मुझे बताइए अगर रिकॉर्डिंग ही गलत हुई है तो पोस्टिंग भी गलत जाएगी, पोस्टिंग भी गलत होगी तो ट्रायल बैलेंस में भी गलत फिगर जाएगी और दोनों ही अकाउंट में गलत जाएंगी, परचेज में भी और राम में भी, तो मुझे बताइए क्या इस केस में ट्रायल टैली करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताइए। ट्रायल तो सर हमेशा तब तब टैली करेगा जब डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं, आंसर इज यस, डेबिट और क्रेडिट बराबर है। अगर आपने परचेज को 100 रुपीज की जगह 1000 रुपीज से रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया मतलब आपने जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडी बुक्स में उसको गलत अमाउंट ले गए, तो इसका मतलब वो लेजर में भी गलत गई और ट्रायल में भी गलत गई, तो ट्रायल विल टैली, भले ही गलत अमाउंट से लेकिन ट्रायल विल टैली, ट्रायल आपका टैली कर जाएगा। ओके सर, हाँ जी, उसके बाद हमारे पास कौन कौन से एरर आते हैं जी, देखिए जी, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है जी, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कई बार आपने सुना होगा दैट परचेज बुक हैज बिन ओवरकास्ट, सेल्स बुक हैज बिन ओवरकास्ट या अंडरकास्ट वगैरह, अगर आपने सब्सिडरी बुक्स को गलत कास्ट कर लिया है, कास्ट मीन टोटल लगाना, अगर आपने उसको गलत कास्ट कर लिया है तो ऑब्वियसली लेजर अकाउंट्स में भी उसको क्या करोगे, आप गलत अमाउंट से लेकर जाओगे, लेकिन गलती कहां पर हो रही है, सिर्फ परचेज अकाउंट में, सेल अकाउंट में, मतलब एक ही साइड इफेक्ट है, या तो डेबिट है या क्रेडिट है, तो ट्रायल विल नॉट टैली, जब वन साइड ही इफेक्ट है तो ट्रायल कैसे टैली करेगा, ट्रायल विल नॉट टैली, ठीक है जी। उसके बाद पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, ये भी कई बार गलती होती है जी, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, आपने परचेज करी राम से 100 रुपीज की और राम के लेजर अकाउंट में आपने उसे 1000 रुपीज से रिकॉर्ड कर लिया, मतलब डेबिट तो 100 रुपीज से हुआ है लेकिन राम का जो लेजर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपीज से, आपने उसको क्या करा जी 1000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, मतलब ओनली वन साइड इज अफेक्टेड, अगर एक साइड अफेक्टेड है तो तब भी ट्रायल विल नॉट टैली, ठीक है जी। उसके बाद पोस्टिंग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, गलत साइड पर ले गए, बिल्कुल जी गलत साइड पर ले गए, परचेज करी राम से, राम क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपीज से, आपने क्या किया राम को डेबिट कर दिया 100 रुपीज से, अब मुझे बताइए क्या ट्रायल करेगा, टैली करेगा, आंसर इज कैसे कर सकता है, करेगा ही नहीं, क्योंकि परचेज डेबिट होनी चाहिए था 100 रुपीज से, आपने परचेज को डेबिट किया 100 रुपीज से, लेकिन राम जो कि क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपीज से, आपने बेचारे राम को क्या किया, डेबिट कर दिया 100 रुपीज से, एक तो क्रेडिट नहीं हुआ और ऊपर से गलत डेबिट कर दिया, तो राम का लेजर अकाउंट तो सर डबल अमाउंट से गलत हो गया, तो ट्रायल ऑब्वियसली विल नॉट टैली। और आती है जी रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट,
रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, आपने लेजर अकाउंट को गलत बैलेंस कर दिया। बैलेंस मींस जैसे लेजर अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो आपने उसको क्या किया जी, गलत अमाउंट से क्लोज कर दिया, तब भी हमारा क्या करेगा, ट्रायल टैली करेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ एरर्स कि हमारे एरर्स कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि सर रेक्टिफाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर योर एरर्स। ठीक है जी, अब इसकी रेक्टिफिकेशन देखते हैं। आइए जी, रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ लोकेटिंग द एरर, कि आपने एरर को कहां पर आइडेंटिफाई किया है, आपने एरर को कहां पर आइडेंटिफाई किया है। आप एरर को सर तीन स्टेजेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन स्टेजेस हैं? एक तो स्टेज आती है सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बनने से पहले ही आपने एरर को रेक्टिफाई कर लिया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर आपने एरर को लोकेट किया है, जहां पर आपने एरर को गलती को ढूंढा है, उस टाइम आपको देखना पड़ेगा आपके हाथों में क्या चीज है। जो भी चीज आपके हाथ में है आप वहीं पर ही उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ट्रायल बनाए नहीं है, अगर आपने ट्रायल बनाया ही नहीं है, तो मुझे बताइए आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में क्या है सर, लेजर अकाउंट्स है आपके हाथों में, क्योंकि लेजर अकाउंट्स के बाद ही तो ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर आपने ट्रायल ही नहीं बनाया तो आपके हाथों में क्या है, लेजर अकाउंट्स है, तो आप अपनी गलती को लेजर अकाउंट्स में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली स्टेज आती है आपकी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रायल बैलेंस आपका बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं हुए। अब आप मुझे बताइए आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में है सर ट्रायल बैलेंस, तो अपनी गलती को आप ट्रायल में ही ठीक कर सकते हैं। और ट्रायल में कैसे ठीक करी जाती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, अभी बताऊंगा सारी चीजें क्या होती है। और नेक्स्ट इज योर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गए, मतलब हम कहां पर आ गए, हम आ गए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ गए, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ गए। अगर हमारे फाइनल अकाउंट्स ही तैयार हो गए मतलब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चले गए। अब अगर हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चले गए तो सर हमें नेक्स्ट अगले अकाउंटिंग पीरियड में ही तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी तीन स्टेजेस हैं जिसमें आप एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एक एक स्टेज को पिक करेंगे। सबसे पहले आपकी स्टेज आती है बिफोर प्रिपेयरिंग योर ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ट्रायल नहीं बनाया तो आपके हाथों में क्या है, यू हैव लेजर अकाउंट्स इन योर हैंड, तो आप अपनी गलतियों को लेजर अकाउंट्स में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर अगर वन साइड ऑफ अकाउंट इज अफेक्टेड, अगर अकाउंट की एक ही साइड अफेक्टेड है, वन साइड ऑफ अकाउंट इज अफेक्टेड, तो आप रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ही जाकर उसको ठीक कर लीजिए। मींस रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ही उसको ठीक कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी सेल्स बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय रुपीज 200। हाँ जी, आपकी सेल बुक क्या है जी, अंडर कास्ट है 200 रुपए से। अगर सेल बुक अंडर कास्ट है 200 रुपए से तो ऑब्वियसली सेल अकाउंट भी आपका टोटल 200 रुपए से कम आ रहा होगा। कौन सी साइड कम आ रही होगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर अंडर कास्ट है तो सेल का क्या होता है जी, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड 200 रुपए से शॉर्ट है। अब मुझे बताइए आप कौन सी स्टेज पे, आपके अभी ट्रायल बैलेंस आपका तैयार नहीं हुआ, मतलब लेजर अकाउंट्स आपके क्लोज हुए ही नहीं है, तो आप उसी के लेजर अकाउंट्स में जाकर ठीक कर लीजिए। मींस इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सेल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। और लिखेंगे क्या, बाय कुछ भी लिख दीजिए, बाय अंडरकास्टिंग एरर, हो गया सर रेक्टिफाई, बाय अंडरकास्टिंग एरर कितने रुपए से, 200 रुपए से, हो गया रेक्टिफाई। हाँ जी, तो अगर आपकी अकाउंट की एक ही साइड अफेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, उस रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में उस गलती को जाकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अगर
इफ मोर देन वन साइड इज अफेक्टेड, अगर एक से ज्यादा साइड अफेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू पास एन रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखिए अगर एक से ज्यादा साइड अफेक्टेड है मतलब डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है, ऑब्वियसली डेबिट भी ठीक कीजिए क्रेडिट भी ठीक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या बन के आ गई, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार होगी। देखिए जी फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ, एक आपने लेटर से परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 2000 हैज बिन एंटर्ड इन परचेज बुक। हाँ जी परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 2000 हैज बिन एंटर्ड इन द परचेज बुक, आपने एक मशीनरी परचेज करी 2000 रुपए की और गलती से उसको क्या किया जी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मुझे बताइए परचेज भी गलत है और मशीनरी भी गलत है तो यानी कि दो अकाउंट अफेक्टेड है। हाँ जी दो अकाउंट अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। हुआ क्या देखिए जी, रॉन्ग एंट्री अगर मैं बोलूं तो गलत एंट्री क्या बन गई होगी, आपने एंट्री कर दी होगी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 से, परचेज टू कैश 2000 से। करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी टू कैश होनी चाहिए थी कितने से 2000 से। मुझे बताइए क्या कैश में कोई गलती हुई है, हाँ जी क्या कैश में कोई गलती हुई है सर, नहीं कैश तो ठीक है, कैश तो 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था तो दोनों केस में हमारा 2000 से कैश क्रेडिट है तो कैश इज करेक्ट, कैश में कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती कहां है, गलती ये रही सर आपकी मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी तो उसको डेबिट कर दीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितने से सर 2000। हाँ जी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब देखिए यही चीजें आपको सर फाइनल अकाउंट्स में मिलती हैं कि परचेज में एक मशीनरी इन्वॉल्वड है, एक मशीनरी की परचेज इन्वॉल्व है तो फाइनल अकाउंट्स में उसको कैसे ठीक किया जाएगा। फाइनल अकाउंट्स में जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज को देखिए, अब हमने क्या किया है परचेज को यहां पर क्रेडिट किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से ये अमाउंट माइनस होगा, और एसेट अकाउंट जब आप बनाएंगे मशीनरी का तो मशीनरी अकाउंट में ये चीज क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। तो सर इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्लियर हुआ जी, हाँ जी बताइए जी क्लियर ओके। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, आई होप ये फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर हुई होगी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ओके। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अब आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है। हाँ जी अब आपका क्या हुआ है जी, ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है तब आप क्या करेंगे, अगर आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया और अकाउंट की वन अकाउंट इज अफेक्टेड, सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्टेड है, सोच के बताइए ध्यान से सोचिएगा, मैंने क्या बोला कि आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है तो और आपके एक लेजर अकाउंट में गलती है तो पहले तो मुझे ये बताइए क्या ट्रायल हमारा टैली कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। सर अगर एक ही लेजर अकाउंट में गलती है तो ऑब्वियसली ट्रायल इज नॉट टैली, ट्रायल टैली नहीं कर रहा होगा। तो ट्रायल को टैली करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रायल को टैली करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। क्या करते हैं जी, एक सस्पेंस अकाउंट, देखिए ये होता है हमारा कुछ ट्रायल बैलेंस, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड, ठीक है आपने जो भी आइटम लिखी ये सब आइटम लिखी और ट्रायल आपका मजबूरन में आपकी डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है 100 रुपए से शॉर्ट आ रही है तो आप करोगे क्या, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक सस्पेंस अकाउंट डाल दोगे कितने रुपए से 100 रुपीज से और लिखोगे क्या सर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। अब ट्रायल बनने के बाद अभी फाइनल अकाउंट तैयार नहीं हुए, आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया एंड आपको अपनी गलती मिल गई है, यहां पर आपने अपना एरर को लोकेट कर लिया है और आपको पता लग गया सर एक ही अकाउंट अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रिवर्स किया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपका वन अकाउंट इज अफेक्टेड तो ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट को हम यूज करते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं उसी एग्जाम्पल पे आता हूं, एग्जाम्पल था आपका कि सेल्स अकाउंट, अब मैंने डेबिट लिया तो एक काम करते हैं परचेज बना लेते हैं एग्जाम्पल,
हाँ जी, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 100। परचेज बुक क्या है आपकी? अंडरकास्ट है 100 रुपए से, ठीक है जी। अब आपका ट्रायल तैयार हो गया, मुझे बताइए क्या ट्रायल टैली कर रहा होगा? आंसर इज नो। क्यों टैली नहीं कर रहा होगा? क्योंकि परचेज बुक आपकी अंडरकास्ट है, यानी कि डेबिट साइड 100 रुपए से शॉर्ट है, तो आपको मजबूरन ट्रायल को टैली करवाने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ गया, कितने रुपए से? 100 रुपए से, और जिसका डेबिट बैलेंस है। अब आपको आपकी गलती मिल गई है, तो यानी कि परचेज बुक अंडरकास्ट है, तो आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, या आपने डेबिट कर दिया 100 रुपए से। तो सर क्रेडिट किसे करे? क्रेडिट आप करोगे किसको? सस्पेंस अकाउंट को, जो आपने सस्पेंस अकाउंट यूज किया था टैली करने के लिए, 100 रुपए से डेबिट किया था, उसी सस्पेंस अकाउंट को ही तो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा 100 रुपए से। ये हमने रिवर्स कर दिया, तो यानी कि जो ये गलती आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट का खड़ा हुआ था 100 रुपए का, इसको आप क्या करोगे? यहां पर रिवर्स कर दोगे। बताइए, इज दिस क्लियर? हाँ जी। आगे अगर हम बढ़े, इफ मोर देन वन अकाउंट, अगर एक से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड है, मोर देन वन अकाउंट इज अफेक्टेड, अब क्या होगा? जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था अभी कि मशीनरी परचेज करी थी 2000 रुपए की, मशीनरी परचेज कितने की थी? 2000 की। हैड बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया 2000 रुपए से। अब मुझे बताइए, ये कुछ आपका ट्रायल रहा होगा, दिस इज योर ट्रायल। मशीनरी परचेज करी 2000 रुपए से, मशीनरी परचेज करी 2000 रुपए से, एंट्री क्या कर दी आपने? एंट्री कर दी आपने परचेज टू कैश, लेकिन होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। अब मुझे बताइए, क्या यहां पर आपका ट्रायल गड़बड़ा रहा होगा? क्या आपका ट्रायल टैली नहीं कर रहा होगा? आंसर इज ट्रायल इज टैलिंग, ट्रायल टैली कर रहा होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है तो कुछ ना कुछ डेबिट होना चाहिए था। मशीनरी की जगह पर आपने क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया, तो डेबिट जो कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ तो डेबिट होना चाहिए था, आपने कुछ ना कुछ डेबिट जरूर किया है, लेकिन वो गलत डेबिट किया है, तो ट्रायल तो टैली कर ही रहा होगा। तो क्या यहां पर कोई सस्पेंस अकाउंट होगा? बताइए जी, क्या यहां पर कोई सस्पेंस अकाउंट होगा? आंसर इज नो। जब ट्रायल ही टैली कर रहा है तो सस्पेंस अकाउंट किस बात का? तो यहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू हैव टू पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, दैट इज योर, जो अभी हमने देखी थी, क्या बनी थी आपकी? मशीनरी टू परचेज, कितने से? 2000। बताइए, इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जब एक से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, तो कोई भी स्टेज हो, चाहे वो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो, दोनों ही केस में रेक्टिफिकेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। रेक्टिफिकेशन का तरीका चेंज कब होता है? जब आपकी एक अकाउंट अफेक्टेड हो, तब आपको स्टेज का डिफरेंस पता लगेगा कि रेक्टिफाई हुए उसे कैसे करना चाहिए। बताइए जी, ये दो स्टेजेस आपकी इंपॉर्टेंट है, ये दो स्टेजेस क्लियर हुई। अगली स्टेज बिल्कुल अलग ही स्टेज है, उसको मैं भी बाद में लूंगा, अभी मैं इन दोनों स्टेज को मिक्स करके एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, फिर मैं अगली स्टेज पे आऊंगा, ठीक है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा यहीं पर ही, और उसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये रहा। हाँ जी, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट मीन्स कौन सी स्टेज आगे जी? ये पहली वाली स्टेज आगे, यानी कि अभी हमारा ट्रायल तैयार नहीं हुआ है। एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट मीन्स हमने ट्रायल को जबरदस्ती टैली करवाया है विद यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो दोनों स्टेजेस में आपको क्या करना है? एंट्रीज बनानी है, रेक्टिफिकेशन करनी है आपको दोनों केसेस में, ठीक है जी। पढ़िए जी, पहली एंट्री क्या कहती है आपकी? द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹100 शॉर्ट, यानी कि अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक मींस, पहले तो साथ साथ ये भी देखेंगे किस टाइप का एरर है, टाइप ऑफ एरर बता सकते हो जी? दिस इज योर एरर ऑफ कमीशन। अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक मींस कमीशन का एरर, इसको देखिए कैसे रेक्टिफाई करेंगे। यस, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, वो कह रहा है क्या? पहला अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय ₹100, अंडरकास्टिंग
ऑफ सेल्स बुक बाय ₹100। कैसे ठीक करोगे जी? अगर सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन ही नहीं किया, मतलब हम पहली वाली स्टेज पे, पहली वाली स्टेज पे अगर अंडर कास्टिंग एरर है, यानी कि सेल्स बुक ₹100 से कम है, ₹100 से क्या है, सेल बुक कम है, मतलब सेल्स की क्रेडिट साइड ₹100 से कम है, तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए, सेल्स अकाउंट विल बी, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। क्या लिखोगे आप? कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो बाय अंडर कास्टिंग, ठीक है जी। ओके, विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, मतलब अब हमारा ट्रायल टैली हो गया है। अब बताइए, ट्रायल को जबरदस्ती टैली करवाने के लिए हमने सस्पेंस को क्या किया होगा? सर, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट है, मतलब आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है ₹100 से, तो आपने सेल अकाउंट को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट को क्या किया होगा आपने, क्रेडिट किया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ₹100 से। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? रेक्टिफाई करने के लिए आपको सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपके, सस्पेंस टू सेल्स कितने रुपए से जी, ₹100 से। बताइए जी, फर्स्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ फर्स्ट। ओके जी, सेकंड भाई, सेकंड पॉइंट कहता है गुड्स वर्थ ₹150, ये वाला पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हाँ जी, वो कह रहा है ₹150 के गुड्स रिटर्न हो गए, यानी कि गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं करा। मुझे बताएंगे एरर किस टाइप का है? अगर रिकॉर्ड ही नहीं करा तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन, और ओमिशन में भी जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, मतलब वो कंप्लीट ओमिशन। अगर कंप्लीट ओमिशन हो गई है तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो दोनों केसेस में हमारी क्या रहेगी, रेक्टिफिकेशन करने का तरीका सेम रहेगा। क्योंकि सर देखिए, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पोस्ट नहीं हुआ, पोस्ट नहीं हुआ तो ट्रायल में नहीं गया, अगर ट्रायल में गया ही नहीं तो ट्रायल तो टैली कर रहा होगा, हमने कोई सस्पेंस अकाउंट यूज ही नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली हम इसका रेक्टिफिकेशन दोनों केसेस में सेम करेंगे। तो उसको सिंपली क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा जी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, पार्टी का नाम क्या था, ग्रीन एंड कंपनी, अमाउंट कितना था, अमाउंट इज योर ₹150, ठीक है जी। तो दोनों केसेस में आपका क्या रहेगा, रेक्टिफिकेशन करने का तरीका सेम रहेगा, क्लियर है जी। ओके, थर्ड केस, थर्ड केस क्या कहता है, वो कहता है गुड्स परचेज ₹250 हैज बिन डेबिट, हैज बिन पोस्टेड, क्या लिखा है जी, पोस्टेड, यानी कि लेजर अकाउंट टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। गुड्स परचेज ₹250 हैज बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। जब गुड्स परचेज करे ₹250 से, तो हमने एंट्री क्या करनी थी, हमें करनी चाहिए थी परचेज टू गुप्ता, परचेज टू गुप्ता एंड कंपनी ₹250 से, लेकिन हमने क्या किया, हमने गुप्ता को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया ₹250 से। बताइए जी, गुप्ता को हमने क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ₹250 से। तो अब आप इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? आप इसको रेक्टिफाई करोगे, अगर आपका ट्रायल तैयार नहीं हुआ तो आपके पास गुप्ता एंड कंपनी का लेजर अकाउंट है, तो आप लिखोगे गुप्ता एंड कंपनी विल बी, क्या होगा सोचिए जी। देखिए जैसन, गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन आपने डेबिट कर दीजिए। अगर मैं यहां पर एक बना लूं, ये आपका गुप्ता एंड कंपनी का लेजर है, दिस इज योर गुप्ता एंड कंपनी, आपको गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था ₹250 से लेकिन आपने डेबिट कर दिया ₹250 से, यही किया जी, आपने गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था ₹250 से लेकिन आपने डेबिट कर दिया। तो पहले तो जो क्रेडिट कर दिया उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ये आपने डेबिट कर दिया, और जो आपने डेबिट नहीं किया, जो आपने, सॉरी, जो आपने डेबिट कर दिया उसको आपने रेक्टिफाई किया, और जो आपने क्रेडिट नहीं किया उसको भी आपने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो ऑब्वियसली गुप्ता एंड कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा, विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज डबल अमाउंट से, दैट इज योर ₹500। दोबारा सुनिए, देखिए सर, गुप्ता एंड कंपनी को आपको क्या करना था, गुप्ता एंड कंपनी को आपको क्रेडिट करना चाहिए था ₹250 से लेकिन आपने उसे डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, जो आपने गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करो, और दूसरा जो आपने क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया उसको भी क्रेडिट करो, यानी कि गुप्ता एंड कंपनी आपका क्या हो जाएगा, दो बार क्रेडिट होगा ₹250 से, दैट इज योर ₹500 से क्रेडिट होगा। तो अगर आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन किया, मतलब आपकी पहली स्टेज है, तो आप सिंपली गुप्ता एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में जाकर क्या कर दोगे, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड,
नहीं तो आप क्या करोगे? अब मुझे बताइए, ट्रायल तो टैली नहीं कर रहा होगा, ट्रायल आपका गड़बड़ा चुका होगा। कितने रुपए से गड़बड़ा चुका होगा आपका? 500 रुपए से गड़बड़ा चुका होगा। और कौन सी साइड? आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट शॉर्ट है 500 रुपए से, तो आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा 500 रुपए से। अब इसको ठीक कैसे करोगे? आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी, दैट इज योर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। कितने से? 500 से। बताइए जी, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट एंट्री पढ़िए, क्या कहता है वो? वो कहता है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। ठीक है जी, ये नॉर्मल है। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने फर्नीचर परचेज किया गुलाब से और आपने उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया। तो बताइए जी, फर्नीचर परचेज किया गुलाब से और आपने उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया, तो यहां तो आपका दोनों ही केस में आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने से? ये आपका बनेगा 1000 से, दोनों ही केस में। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। कैसे सर? देखिए जी, फर्नीचर टू कैश होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कर दी? आपने कर दी परचेज टू कैश। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे दोनों को? फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। ध्यान से पढ़िएगा सर, बहुत मजेदार एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ऑफ ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। पहली चीज तो ये, क्या ये रिकॉर्डिंग का एरर है या पोस्टिंग का एरर है? सोचकर बताइए सर, क्या ये रिकॉर्डिंग का एरर है या पोस्टिंग का एरर है? आंसर इज दिस इज योर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, इसको आप एरर ऑफ कमीशन नहीं बोलेंगे, दिस इज योर एरर ऑफ ओमिशन। सर ये कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, उसने क्या बोला है? डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक क्या होती है? आपकी सब्सिडरी बुक होती है, और कैश बुक में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, तो ऑब्वियसली सर डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। अगर डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो पोस्टिंग नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में नहीं गया, तो दिस इज योर रिकॉर्डिंग का एरर। रिकॉर्डिंग का एरर मतलब एंट्री हैज बीन ओमिटेड, यानी कि कंप्लीटली ओमिटेड है। अगर आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ऑब्वियसली डिस्काउंट की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई ना। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आपने एंट्री कौन सी रिकॉर्ड नहीं करी? आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी सर रेड एंड ब्लैक डेबिट टू डिस्काउंट। कितने से? 15 रुपए से। सेम, बताइए सर, बात समझ में? उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में नहीं किया। अगर डिस्काउंट कॉलम में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ऑब्वियसली रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में भी नहीं गया होगा, और डिस्काउंट अकाउंट में तो जाएगा ही नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगी ट्रांजेक्शन तो किसी भी लेजर अकाउंट में नहीं जाएगी ना, तो ये एंट्री आपकी क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन आ जाती है ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मजेदार एंट्री। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमने डिस्काउंट अलाउ किया था जी मोहन एंड कंपनी को 18 रुपए का, हमने डिस्काउंट कॉलम में उसे नहीं डाला, लेकिन जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट में उसे पोस्ट कर दिया। अब आपका एरर है पोस्टिंग का, क्योंकि कैश बुक जो होती है, आपको कैश बुक आपकी रिकॉर्डिंग का भी काम करती है और पोस्टिंग का भी काम करती है, क्योंकि हम कैश बुक के बाद कैश अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन जो आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, इन सबके बाद हम परचेज सेल अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज बुक की बात करें तो परचेज अकाउंट आपका बनता है, क्योंकि परचेज बुक में आपकी सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, लेकिन परचेज अकाउंट में आपकी कैश परचेज भी आएंगी और क्रेडिट परचेज भी आएंगी, इसलिए हमें परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है। और एक कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जिसको हम लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं और इसको आप सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हो, दोनों काम आपके साथ में ही होते हैं। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट नहीं हुआ, लेकिन जो पार्टी का अकाउंट था जी मोहन एंड कंपनी का था, उसमें आपने करेक्टली पोस्ट कर दिया, यानी कि जी मोहन एंड कंपनी को आपने करेक्टली क्रेडिट कर दिया। तो अब आपको कैसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा? आपको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना पड़ेगा। अब आपकी देखिए स्टेज भी अलग अलग है। अगर आपके हाथ में लेजर अकाउंट है तो आप सिंपली क्या करोगे? आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ओमिशन एरर। क्या था जी ये? पार्शियल ओमिशन आपकी, बाय ओमिशन का एरर। कितने रुपए का था? अमाउंट इज 18 रुपीज।
ठीक है जी। यहां पर क्या करोगे, अगली स्टेज में आप क्या करोगे, अब मुझे बताइए, आपने डिस्काउंट को डेबिट नहीं किया तो आपका ट्रायल टैली नहीं कर रहा होगा 18 रुपए से, तो आपने जबरदस्ती ट्रायल टैली कराने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया होगा, तब इसको क्या करोगे आप, रिवर्स करोगे, तो एंट्री क्या डालोगे आप, बोलोगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 18 से 18 18, ठीक है जी। बताइए सर, इज दिस क्लियर टू यू? ओके सर, तो ये आपका, हमने दोनों स्टेजेस को यूज करके अपना एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी, आई थिंक कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसमें आपकी दोनों स्टेजेस कवर हो गई, आपकी स्टेज वन एंड स्टेज टू। आई होप आपको यहां तक चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि कब हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है और स्टेज वन में उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड स्टेज पे कि हमारे फाइनल अकाउंट्स भी तैयार हो गए हैं, यानी कि हमने रेक्टिफाई एरर को लोकेट किया कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गए हैं। फाइनल अकाउंट्स जब तैयार हो जाते हैं तो देखिए, ना तो हमारे हाथ में लेजर अकाउंट्स है, ना हमारे हाथ में ट्रायल बैलेंस है, अब तो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चले गए, तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बताइए जी, अब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, जो भी हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, जब हमारा ट्रायल टैली नहीं कर रहा होता और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते, उसको कैपिटल अकाउंट से हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं या उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर देते हैं। पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस था लेट अस से, और ट्रायल में हमारा कुछ सस्पेंस अकाउंट आ रहा था 100 रुपए से, अब हम जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ये हमने बनाया ट्रेडिंग पीएनएल और ये हमने बैलेंस शीट बनाई, तो इसको डेबिट को 100 रुपए को हमें खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो जो आपका कैपिटल अकाउंट आता है, ये जो आपका कैपिटल आता है, आप इस कैपिटल में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, एक तरीका ये है, और दूसरा ये डेबिट है, इसको एक्सपेंस मान के पीएनएल में भी क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो 100 रुपए से, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब मुझे बताइए, अगर सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ ही हो गया, क्या अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास सस्पेंस अकाउंट होगा? आंसर इज नो, सस्पेंस अकाउंट आपके पास नहीं होगा। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए जी, अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे थ्रू अ स्पेशल अकाउंट नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये है सर हमारी प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या है सर? प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब पिछले साल की गलती, पिछले अकाउंटिंग पीरियड की गलती, अगर हम इस साल में उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वेदर इट इज एन इनकम, whether it is an expense, that is known as nature of prior period, ठीक है जी। तो अगर prior period expense है या prior period income है, तो उसको आप दिखाओगे तो अपने profit and loss account में ही, लेकिन उसको specially हमें allocate करना पड़ता है, identify करना पड़ता है, अलग से show करना पड़ता है, as per your accounting standard, AS, हाँ जी, एज पर योर AS 5, एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो बोलता है कि जो हमारी प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं, उसको हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अलग से स्पेसिफिकली शो करना पड़ता है, सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड, उसका इंपैक्ट हम करंट ईयर के प्रॉफिट में देख पाए कि भैया करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका कितना इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो दैट इज नोन एज योर प्रायर पीरियड आइटम। तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम एक स्पेशल अकाउंट यूज करेंगे, दैट इज योर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ हम नॉमिनल अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं। व्हाई नॉमिनल अकाउंट्स? क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट्स जिस अकाउंटिंग पीरियड के होते हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक्सपेंसेस और इनकम की बात करूं, तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में डाल के खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की आइटम होती है, वो हमारी एग्जॉस्ट नहीं होती है, वो हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो अगर गलती एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट में है, तो हम तो एसेट और लाइबिलिटी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में उसको रेक्टिफाई कर देंगे, क्योंकि वो तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी कैरी फॉरवर्ड हो चुका। लेकिन अगर गलती हमारी नॉमिनल अकाउंट में आ रही है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह हम यूज करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए जी, इज दैट क्लियर? हाँ जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल,
लेट अस से परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 100 इन ईयर 2018. 2018 में परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 100. ठीक है जी. अब हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गए हैं और इस एंट्री को, इस गलती को हमने 2019 में पकड़ लिया. 2019 में हमें पता लगा कि भैया जो ट्रायल बैलेंस हमारा लास्ट ईयर टैली नहीं हुआ था वो ड्यू टू परचेज बुक थी, क्योंकि परचेज बुक का टोटली गलत था, 100 रुपए से कम था. अब मुझे बताइए 2018 में हमने किया क्या होगा. 2018 में ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस था, ये जो हमारा टीवी था, इसमें हमारा सस्पेंस अकाउंट हमने डाल दिया होगा कितने से, 100 रुपए से डेबिट कर दिया होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा था, और हम उसको अपने पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर गए होंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से, कितने रुपए से, 100 रुपए से, या हमने कैपिटल अकाउंट में से उसको क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा. अब जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पहुंचे, जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पहुंचे, दैट इज 2019 में पहुंचे, अब मुझे बताइए क्या हमारे पास परचेज अकाउंट का बैलेंस होगा. आंसर इज नो. तो अगर मैं, अगर इसको रेक्टिफाई ऐसे कर दूं, अगर मैं लिख दूं परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्या यह करना ठीक होगा? सोच के बताइए. परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्या यह करना ठीक होगा? सर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सर लास्ट ईयर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके खत्म किया था, तो इस साल उसे क्रेडिट करके फिर खत्म कर देंगे, वो तो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, तो ये जो इंपैक्ट आ रहा था ये तो खत्म हो गया. लेकिन जो हमने ये परचेज को डेबिट कर दिया, ये जो हमने परचेज को डेबिट कर दिया, दिस इज रॉन्ग. इससे होगा क्या, इससे अगर आपने परचेज को डेबिट किया तो आपका परचेज का एक्सपेंस बढ़ जाएगा 2019 का, जबकि ये परचेज 2019 की थोड़ी ना है, ये तो 18 की है और आपने 19 की परचेज बढ़ा दी. परचेज बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और वो भी करंट ईयर का, 2019 का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा. क्या ये करना ठीक है? आंसर इज नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ परचेज की जगह पर एक अकाउंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट. कितने रुपए से? 100 रुपए. ये आपको एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी. इससे होगा क्या, देखिए जी, इससे होगा क्या, इससे जब आप अपना पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना, तो परचेजेस जो यहां पर आप डेबिट कर रहे होंगे, ये तो सर एक्चुअल 2019 की ही आ रही होंगी, इसमें कोई गलती नहीं है. और जो पीएनएल आपका आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो इसमें जो नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, वो भी 2019 का आ रहा होगा, लेकिन आप अलग से दिखा सकते हैं प्रायर पीरियड एक्सपेंस कितने का, 100 रुपए का. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा आपका कि भैया लास्ट ईयर 100 रुपए का एक्सपेंस था, जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसको इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं. कि लास्ट ईयर ये जो 100 रुपए का एक्सपेंस बना है हमारा, ये है 2018 का, लेकिन उसको हमने आइडेंटिफाई कब किया, इसको हमने आइडेंटिफाई किया 2019 में, तो इसको हम कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2019 में रिकॉर्ड कर रहे हैं. बताइए क्या ये क्लियर हुआ? तो इसका क्रक्स क्या निकल के आता है, इसका क्रक्स निकल के आता है कि अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा फॉर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन द रिस्पेक्टिव ईयर, जिस साल के हैं वो उसी साल में खत्म हो जाते हैं, तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, सो दैट ये हमारी बन जाएगी प्रायर पीरियड आइटम और इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड. यूजर को क्लियर इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भैया जो ये हमारा एडिशनल एक्सपेंस आ रहा है, ये लास्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले पाएगा. ठीक है जी. और जितने भी हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट होंगे, रियल पर्सन समझते हो जी, यस सर, असेट और लाइबिलिटीज के अकाउंट, तो इसके लिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनके बैलेंसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इनके बैलेंसेस क्या हो जाते हैं सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. क्लियर हुई? हाँ जी बताइए जी, क्लियर हुआ या नहीं? चलिए जी, अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं. आइए जी क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8th लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं. वो क्या कहता है, वो कहता है मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर.
ठीक है जी, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर, ठीक है जी, मतलब वो ट्रायल बैलेंस को लास्ट ईयर टैली नहीं करवा पाया तो उसने कुछ ना कुछ सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा, और उस सस्पेंस अकाउंट को उसने कहां पर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म कर दिया, वो तो करना भी पड़ता है। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स, जिसने पुरानी गलतियां देखी, पुरानी बुक्स देखी और उसको कुछ गलतियां मिली, ये आपके सामने गलतियां आ गई। अब मुझे बताइए स्टेज ऑफ लोकेटिंग द एरर कब है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब मुझे बताइए इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सर बिल्कुल नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन जहां जहां भी नॉमिनल अकाउंट्स है वहां पर आपको यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करना है आपको, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए जी पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, वो कहता है परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट फॉर ₹3000। एक स्कूटर परचेज किया था लास्ट ईयर, लेकिन हमने गलती से उसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। और साथ साथ मैं ये एंटे भी बता देता हूं, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन द व्हीकल्स, ठीक है जी। एक उसने स्कूटर परचेज किया था ₹3000 का पिछले साल, और उसको लास्ट ईयर उसने कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया, जबकि स्कूटर अकाउंट में जाना चाहिए था, मोटर व्हीकल्स अकाउंट में जाना चाहिए था। अब मुझे बताइए जब उसने स्कूटर अकाउंट में उसे डाला ही नहीं, मोटर व्हीकल्स में डाला ही नहीं, क्या उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा व्हीकल्स पे? आंसर इज नो। जब उसने व्हीकल अकाउंट डाला ही नहीं, व्हीकल अकाउंट में उसे डेबिट ही नहीं किया, तो उसने उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं किया होगा। तो हम इस एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखिए इसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका रहेगा। देखिए पहली एंट्री, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, आपने क्या किया, आपने एक स्कूटर परचेज किया और उसने डेबिट कर दिया कन्वेंस में, तो आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने डाली होगी कन्वेंस अकाउंट, ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जबकि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, लास्ट ईयर ही क्या होनी चाहिए थी, आपको एंट्री डालनी चाहिए थी मोटर व्हीकल्स डेबिट टू कैश, कितने से, ये अमाउंट था आई थिंक 3000 से, 3000 ओके, और इस पे अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए था, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल्स कितने से, 10% कह रहे हैं ना वो, 300, वो तो बताइए से आपको इसे डेप्रिशिएट भी करना चाहिए था। ये दोनों एंट्री आपकी लास्ट ईयर पास हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी ये दोनों एंट्रीज पास नहीं हुई। अब आप इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, अब मुझे बताइए रेक्टिफिकेशन आप कब कर रहे हो, आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की, ये गलती है पिछले अकाउंटिंग पीरियड की, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो अगले साल, अगले साल मुझे बताइए आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है मोटर व्हीकल टू कन्वेंस और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मोटर व्हीकल अकाउंट तो एसेट अकाउंट है, तो वो तो आपका डेबिट होना चाहिए, तो वो आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो यानी कि मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कितने से, 3000 से। टू, कन्वेंस की जगह मैं क्या यूज करूंगा, कन्वेंस की जगह, कन्वेंस क्या है, एक एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस लास्ट ईयर ही राइट ऑफ हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से, 3000 से। बताइए जी एंट्री क्या बनी आपकी, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपकी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अगर यही गलती आपकी लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप रेक्टिफाई करते तो आप एंट्री डालते मोटर व्हीकल टू कन्वेंस, ठीक है जी। अब आप इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन अगर आप लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही लगा देते तो एंट्री डालते डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल, ये वाली एंट्री डाल देते रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन करंट अकाउंटिंग पीरियड में आप डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लास्ट ईयर का है और डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, एक एक्सपेंस है, तो इसकी जगह आप यूज करोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल 300 से। बताइए क्लियर हुई, आप इनकी एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, कैसे एंट्री पास करोगे कंबाइंड, आप डाल सकते हो मोटर व्हीकल डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितने से, 2700 से, क्योंकि सर इनको हमने कंबाइन कर दिया, ये देखिए मोटर व्हीकल 300 डेबिट, 3000 डेबिट, 300 क्रेडिट, तो नेट में 2700 डेबिट, और ऐसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नेट में 2700 का क्रेडिट। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री इन योर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बताइए क्लियर हुई बात, हाँ जी ओके नेक्स्ट वो कह रहे हैं परचेज अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹10,000। सेकेंड एंट्री, परचेज अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹10,000।
परचेज अकाउंट को आपने, परचेज अकाउंट आपका क्या है, 10,000 रुपए से बड़ा हुआ है। अगर आप इस गलती को लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही ठीक करें, अगर आप लास्ट पीरियड में ही ठीक करते तो आप एंट्री क्या डालते, परचेज अकाउंट आपका 10,000 रुपए से बड़ा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसे करेंगे, सर ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से, 10,000 से। लेकिन आप इसको रेक्टिफाई कर रहे हो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अब देखिए इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, क्या सस्पेंस है या परचेज है, आंसर इज परचेज। सर सस्पेंस क्यों नहीं है, अरे सस्पेंस तो आपका लास्ट ईयर राइट ऑफ हो गया, तो इस साल भी क्रिएट होगा तो इस साल भी तो राइट ऑफ होगा, वो आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, वो एक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, वो तो जिस साल क्रिएट होगा उसी साल उसको एडजस्ट करेंगे करेंगे। तो ये वाला जी सस्पेंस अकाउंट जो आपका इस साल भी क्रिएट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पुराने वाली इफेक्ट को रिवर्स कर देगा, इस साल भी उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर ही देंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे आप एंट्री बनाओगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अगर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज की जगह आप क्या यूज करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 10,000, बताइए। इज दिस क्लियर? हाँ जी। थर्ड एंट्री नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पी ₹2,000 एंटर्ड एज सेल। ठीक है जी, हमने पी से गुड्स खरीदे 2,000 रुपए के और उसको हमने क्या करा जी, एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया। उसने क्या बोला, एंटर्ड, एंटर्ड मींस रिकॉर्ड ही हमने सेल कर दिया। अब देखिए पोस्टिंग नहीं बोला, उसने क्या बोला, एंटर्ड, एंटर्ड मीन हमने उसे सेल रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी ध्यान से समझना है। देखिए जी रॉन्ग एंट्री, क्रेडिट क्या कह रहा था वो कह रहा है क्रेडिट परचेज को हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो गलत क्या कर दिया, हमने एंट्री डाल दी पी डेबिट टू सेल्स, पी टू सेल्स। लेकिन होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी परचेज टू पी, होनी चाहिए थी परचेज टू पी। अब देखिए जी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप क्या पास करेंगे, अगर मैं रेक्टिफिकेशन बोलूं लास्ट ही अकाउंटिंग पीरियड में, ये लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अगर आप इसको लास्ट अकाउंट मतलब पिछले साल ही रेक्टिफाई करते तो क्या एंट्री डालते, भैया परचेज रिकॉर्ड करनी थी तो परचेज रिकॉर्ड करो, परचेज डेबिट, सेल गलत रिकॉर्ड कर दिया तो सेल को डेबिट करो, सेल्स डेबिट। और पी क्या हो जाएगा हमारा, डबल अमाउंट से इफेक्ट हो जाएगा, अमाउंट कितना है जी, अमाउंट है इसमें 2,000, तो परचेज डेबिट सेल डेबिट टू पी। ये तो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड किया, लेकिन क्वेश्चन आपका चल रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है ये दोनों हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है, तो इनकी जगह आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि परचेज सेल ये सर लास्ट ईयर की है तो इसको करंट ईयर की परचेज सेल नहीं बोल सकते, तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी परचेज पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी। सर पी को हमने नॉमिनल क्यों नहीं बोला, अरे पी तो हमारा पार्टी अकाउंट है, पी क्या है, पार्टी अकाउंट है तो उसका तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता ही है, ठीक है, तो उसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह पर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है जी, ओके। एंट्री नंबर फोर्थ क्या कह रहे हैं, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹10,000। ठीक है जी, कैश रिसीव हुआ ए से और हमने बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, कैश रिसीव हुआ ए से यानी कि कैश टू ए 1,000, और हमने रॉन्ग एंट्री, हमने क्या कर दिया, हमने इसको बी के अकाउंट में डाल दिया यानी कि कैश टू बी कर दी, कितने से, 1,000। बताओ इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर क्या करते आप एंट्री डालते बी डेबिट टू ए, कितने से, 1,000 रुपए से, कि भैया बी को डेबिट करो और ए को क्रेडिट करो। अब मुझे बताइए क्या यहां पर कोई नॉमिनल अकाउंट है, हाँ जी, ना तो बी नॉमिनल अकाउंट है ना ए नॉमिनल अकाउंट है, तो चाहे वो लास्ट ईयर हो चाहे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हो, दोनों में रेक्टिफिकेशन एंट्री विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, असेट अकाउंट है या लाइबिलिटी अकाउंट है, पार्टी अकाउंट है जिनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो यहां पर हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एंट्री नंबर फिफ्थ क्या कह रहे हो, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। ओके, कैश रिसीव हुआ सी से, ये आपका सी का अकाउंट है, दिस इज योर रॉन्ग, ये आपने रॉन्ग ट्रीटमेंट, सी का अकाउंट है और ये आपका करेक्ट, करेक्ट एंट्री या करेक्ट ट्रीटमेंट। जब कैश रिसीव हुआ सी से तो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश टू सी, यानी कि सी का अकाउंट क्या होना चाहिए था, सी का अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए था ₹500 से बाय कैश, ₹500, और हमने क्या किया, हमने सी के अकाउंट को
क्या कर दिया जी, सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 500 रुपए टू कैश 500। बताइए जी इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, एक तो जो गलत डेबिट हुआ उसे ठीक करो और जो क्रेडिट नहीं हो पाया उसे ठीक करो, यानी सी का अकाउंट हमारा डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ट्रायल टैली नहीं करोगे तो सस्पेंस अकाउंट आ गया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कितने से, 1000 से। मुझे बताइए क्या यहां पर कोई नॉमिनल अकाउंट है, क्या यहां पर कोई असेट एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है, आंसर इज नो। तो चाहे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हो चाहे वो अपना करंट अकाउंटिंग पीरियड हो, दोनों में ही हमारी अकाउंटिंग एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री विल रिमेन सेम। ठीक है जी, नेक्स्ट, रुपीज 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। रुपीज 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, यानी कि क्यू से, क्यू एक क्या है, क्यू एक डेटर है, कितने रुपए से, 500 रुपए से, उसको हमने ट्रायल में नहीं लिया, ट्रायल में नहीं लिया तो मतलब हमने ट्रायल में डेबिट नहीं किया हुआ 500 रुपए से, तो हमने ट्रायल को मिलाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट को डाल दिया होगा 500 रुपए से। ओके ठीक कर दो इसे जी, क्या एंट्री डालोगे, क्यू डेबिट टू, टू लिखा है ना, ड्यू बाय क्यू, ठीक है, क्यू डेबिट टू सस्पेंस कितने रुपए से, 500 रुपए से। बताइए जी एंट्री क्या बनेगी, क्यू डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि एक हमने डेटर नहीं डाला तो डेटर का अकाउंट डाल दिया हमने, क्यू डेबिट टू सस्पेंस 500 रुपए से। बताइए जी यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ जी ओके। नेक्स्ट एंट्री वो कह रहा है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एक एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर, क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, यानी कि हमने एंट्री कौन सी रिकॉर्ड नहीं करी, एक एंट्री होनी चाहिए थी आर डेबिट टू सेल्स, आर डेबिट टू सेल्स कितने से, अमाउंट इज योर 2000, 2000 रुपए से आर डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए थी, और ये हमने क्या करा जी, इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड, लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, अगर लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, तो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर देंगे सर, आर डेबिट करेंगे 2000 रुपए से, लेकिन सेल्स की जगह पर हम क्या बोलेंगे, हम डालेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि सर लास्ट ईयर की सेल्स है तो इस साल की सेल्स उसे नहीं बोल सकते। बनेगी क्या एंट्री, आर डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट एंट्री इज योर लास्ट एंट्री, ये बनती है आपकी, एन अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेस वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज रुपीज 2593, ठीक है जी, 2395 और 2593 ये डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ये बनता है आपका डिफरेंस 198 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 198 का, ठीक है जी। वो कह रहा है 2395 की परचेज हमने 2593 पे रिकॉर्ड कर दी, 2395 की परचेज हमने रिकॉर्ड, सॉरी ये क्या बोला, पोस्टेड, ठीक है जी, मेरे से ही गलती होगी, क्या गलती होगी, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग नहीं कह रहा, वो कह रहा है पोस्टिंग, अगर रिकॉर्डिंग कहता तो दोनों अकाउंट में गलती हो जाती, क्योंकि पार्टी के अकाउंट में भी गलती होती, परचेज में भी होती, लेकिन वो कह रहा है पोस्टिंग, तो पोस्टिंग किस में, पोस्टिंग हुई है सर परचेज अकाउंट में गलती, ठीक है। तो 2395 की परचेज को हमने 2593 पे पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में, 198 रुपीज से ज्यादा पोस्ट कर दिया, यानी कि परचेज अकाउंट हमारा 198 रुपीज से डेबिट ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करेंगे हम, खत्म करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अगर मैं लास्ट ईयर में ही इसे रेक्टिफाई करता तो कैसे रेक्टिफाई करता, मैं परचेज को क्रेडिट कर देता और डेबिट किसे करता, सस्पेंस को, कितने से, 198 से। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मैं इसे कैसे रेक्टिफाई करूंगा, दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया इन योर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए जी क्या ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी क्लियर हुआ, ओके जी। तो ये हमारा टॉपिक था कि जब फाइनल अकाउंट्स हमारे तैयार हो जाते हैं, मतलब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ जाते हैं, तो हम अपनी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सिंपल सी बात है सर, अगर मैं इसकी ट्रिक आपको दूं सर, बिल्कुल सेम रेक्टिफिकेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आप सीखते आ रहे हो वही रेक्टिफिकेशन है, लेकिन जहां जहां भी नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहे हैं वहां पर आपको यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड इज योर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हुई बात, हाँ जी। चलिए जी,
तो ये मेरी पूरी कोशिश रही कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक आप लोगों के साथ क्लियर करा पाऊँ। ये एक रिवीजन लेक्चर ही था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अपनी बुक में जाके इसके सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन रहती है इस चैप्टर में, वो आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को कौन यूज कर सकता है? जो बच्चा देखे, मैंने थोड़ा सा सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को ज्यादा रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आती है कि सर सीए फाउंडेशन के लिए एक्टिवेशन की वीडियो निकालो, तो मैंने उन बच्चों को कंसर्न रखते हुए इस वीडियो को निकाला है। लेकिन अगर कोई बच्चा 11th में है, 12th में है, बीकॉम में है, किसी भी लेवल पे उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखना हो, वो इस वीडियो को यूज कर सकता है। पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, प्लस फिर आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी टू क्लियर योर डाउट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है जी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर किसी दिन अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।